हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किन किन शहरों में उन त्योहारों को किस किस नाम से जाना जाता है। तो आज हम उन शहरों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हो गया, सबसे पहले हम लोग का आएगा झारखंड। झारखंड में इस त्योहार को किस नाम से बुलाया जाता है? सरहुल। झारखंड में सरहुल बड़े जोरों शोरों के साथ मनाया जाता है। 4 दिन तक इसका जश्न चलता रहता है। तो झारखंड में इस त्योहार को किस नाम से बुलाया जाता है? सरहुल, जो कि बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है, मतलब धूमधाम से। और इस त्योहार को पूरे 4 दिन तक मनाया जाता है, मतलब जश्न जो है 4 दिन तक इसे मनाया जाता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मानती है। मतलब ऐसा नहीं है कि झारखंड में केवल एक ही जाति, एक ही प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार की जातियां भी झारखंड में हैं। सो उनके हिसाब से अलग अलग जातियां जो है अलग अलग दिन में मनाते हैं। सतल लोग होते हैं ना, जाति वाले सतल लोग फरवरी मार्च में, तो ओणम जो कहते हैं आदिवासी में ज्यादातर होते हैं, ओणम लोग जो इसे मार्च या अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर प्रकृति की पूजा करते हैं। जो आदिवासी होते हैं ना, इस समय जो क्या करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति मीन्स एनवायरमेंट की। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। सरहुल जो ये क्या कहते हैं त्योहार है ना सरहुल नाम से, तो इस दिन जो क्या आता है, उन लोग साल की शुरुआत में पेड़ की पूजा की जाती है, मतलब प्रकृति की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो क्या होता है, जैसे मैंने कहा था ना, वसंत का समय आ जाता है, ठंड समय शुरू खत्म होने के साथ साथ वसंत जो क्या है आने लगता है। तो वसंत में क्या होता है, नए पेड़ों में नए नए पत्ते लगते हैं, नए नए फूल आते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, तो ये मौसम जो क्या है बहुत देखने में खुशनुमा होता है, मतलब जिसे देख के हम खुश हो जाते हैं, बड़ा ही सुंदर सा मौसम होता है। और क्या कहते हैं, साथ ही स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजरी लेकर रात भर नाचते गाते हैं। जो स्त्री और पुरुष, मतलब लड़का लड़की दोनों ही क्या कहते हैं, रात भर क्या ढोल वगैरह, ढोल मंजरा जो होते हैं बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट, तो ये सारे लेकर वे रात भर क्या है नाचते गाते हैं बजा बजा कर। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वर्षों का जंगल और वही आसपास बसे छोटे छोटे गांव लिपी पुटी करने से बुहारे और सजाए गाये अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। तो ये सारे जो क्या होते हैं, लड़का लड़की मतलब स्त्री पुरुष जो क्या होते हैं, घर घर जाके आसपास पेड़ों की पूजा करते हैं और घर घर जाके क्या करते हैं, एक इनके कल्चर में कुछ एक डांस होता है, किसे कहते हैं लिपे पुते करने वाले से बुहारे सजाए अपने घरों के सामने ना पंक्ति में कमर में उनका कुछ एक डांस है, आप लोगों को पता होगा झूमर टाइप का कुछ होता है, तो कमर कमर में उन लोग पकड़ के नृत्य करते हैं एक साथ। नृत्य मीन्स डांस, ठीक है। तो अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं, मतलब अगले दिन जो क्या है, पहला दिन तो हो गया, उन लोग इधर उधर घूम कर पूजा वूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करने शुरू करते हैं, मतलब उसके बाद क्या है, अगले दिन जो क्या है वे घर घर डांस कर करके घर घर जाते हैं अलग अलग घर, और फूलों में पौधे लगाते हैं, फूलों के पौधे लगाते हैं, मतलब उनका एक रिवाज है कि घर घर जाके उनसे कुछ कुछ दान दक्षिणा मांगना, और उनके घरों में क्या कहते हैं एक एक पौधा उन लोग अपने हाथों से लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, मतलब जैसे बताया कि घर घर से क्या है उन्हें चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, किंतु क्या है उन लोग चंदे में पैसे वगैरह नहीं मांगते, मुर्गा चावल और मिश्री, ये सारी जो तीन चीजें है वे केवल चंदे में इसी को डिमांड करते हैं, ठीक है, मुर्गा चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर, उसके बाद क्या है उनके आपस में ही उन्हें पका के खाते हैं, फिर उनकी क्या है आपस में खेल कूद का दौर चलता है। तीसरे दिन, अभी दूसरा दिन तो हो गया घर घर जाके नृत्य करना है ना, घर घर जाके नृत्य करना, पेड़ पौधे लगाना, भिक्षा मांगना। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सराय का फूल पहनते हैं। तीसरे दिन क्या होती है, पूजा होती है, जब क्या कहते हैं एक सराय का फूल होता है, ठीक है, उस फूल को क्या है लोग अपने कानों में पहनते हैं, कान के सामने लगाते हैं ना। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। दान में भी पूजा होती है, पूजा किया हुआ आशीर्वाद दान
और सॉरी धान है, ठीक है ये। तो क्या होता है इसी दिन से उन वो लोग क्या मानते हैं, वसंत जो है आने वाली नई मौसम, स्प्रिंग सीजन ना, तो स्प्रिंग सीजन की वो शुरुआत इसी दिन से मानने लग जाते हैं कि अब जो क्या है ठंड का मौसम खत्म हो गया और क्या है स्प्रिंग सीजन मतलब वसंत की शुरुआत हो चुकी है। और वो इसके साथ ही साथ क्या करते हैं, धान जो होते हैं ना चावल का धान, जो चावल बनने से पहले धान होता है, तो धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगले फसल में बोया जाता है। तो उस दिन जो उन लोगों के धान वगैरह जो पूजा करते हैं ना, तो उसी धान, उसी पूजा किए हुए धान को क्या करते हैं उन लोग, आने वाले साल में बीज की तरह उन्हें खेती पे उगाया जाता है। तो ये तो हो गया सारा झारखंड के बारे में, है ना। अब हम पढ़ेंगे तमिलनाडु में किस तरह से इसे मनाया जाता है और इस किस नाम से प्रचलित है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में क्या है, मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा जो ये त्योहार होता है उसे क्या कहते हैं, पोंगल के रूप में मनाया जाता है। मतलब इन्हें क्या कहते हैं, इस त्योहार को वहाँ पर पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन खरीफ की फसलों चावल अरहर अधिक काट कर घरों में पहुंचाते। इस दिन क्या कहते हुए, खरीफ मीन्स चावल ये सब के जो होते हैं ना फसल, जितने भी फसल वे उगाते हैं तो इन सारी फसलों को वो क्या कहते हैं, काट कर घर में पहुंचाते हैं। लोग जो क्या है नए धान की, लोग नए धान काट कर चावल निकालते हैं इस दिन पर, ठीक है। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। उनके रीति के अनुसार क्या होता है इस दिन में क्या कहते हैं, जब इस त्योहार का शुरुआत होता है उनके वहाँ पोंगल का, तो पोंगल के दिन में क्या कहते हैं, घर घर में क्या है नई मिट्टी की बर्तने लाई जाती है जिसमें नए चावल दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था आंसर क्वेश्चंस में, है ना। तो इस दिन क्या कहते हैं, वे चावल दूध और गुड़ को डालकर एक नए मटके में, नए मतलब मट्टी की बर्तन में उन्हें कहाँ रख देते हैं पकाने के लिए, कड़कती धूप पर रख देते हैं। हल्दी सूप मानी जाती है, जो हल्दी हम मानते देखते हैं ना, हल्दी को क्या होता है सूप माना जाता है। मतलब सूप मीन्स क्या बोलते हैं उसे, अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसलिए साबुत हल्दी को मटके में मुंह से चारों ओर बो देते हैं। मतलब उस हल्दी को क्या कहते हैं, हल्दी की जो कलर होते हैं ना, हल्दी को पूरे मटके में लगा दिया जाता है। यह मटका दिन में 10:30 बजे से 10:30-12 बजे तक क्या होता है, धूप में ही रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, मतलब दूध में क्या होता है उबाल आता है, उफान फिस फिस करके जो उठते हैं ना, जब दूध फट जाता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो क्या होता है उनका पोंगला पोंगल बोल के वे क्या होते हैं पुकारने लग जाते हैं, जब इस तरह का हरकत उसमें दिखाई पड़ता है। खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। मतलब पोंगला पोंगल मतलब खिचड़ी में क्या है उफान का आ गया स्वर, तो इसी को क्या कहते हैं, वे पोंगल कहते हैं। कम अब क्या है, दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। जो गुजरात में क्या है इस पर्व को पतंग का पर्व भी कहते हैं, ठीक है, इस त्योहार को। तो दूसरी ओर गुजरात में क्या है, पतंग के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न क्या है अधूरा ही माना जाता है। उनका वहाँ क्या होता है, पतंग उड़ाने का रिवाज होता है इस दिन में। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। तो मतलब क्या कहते हैं, इस दिन जो क्या होता है केवल गुजराती ही नहीं, गुजरात में रहने वाले जितने भी अलग अलग जनजातियों लोग हैं ना, तो वो लोग जो क्या है आकाश में सभी लोग जो क्या है पतंग उड़ाते हुए मिलते हैं। और आकाश में अगर आप देखो तो हर तरह के अलग अलग रंगों की पतंगे आपको उस दिन दिखाई मिलेगी। प्रत्येक गुजराती चाहे वो किसी भी धर्म जाति या आयु का हो पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जा सकता है। मतलब क्या है उसमें कोई उम्र का ये नहीं होता, ठीक है, जितना बूढ़ा हो या बच्चा हो सभी लोग उस दिन पर पतंग उड़ाते हैं। और हजार लाखों पतंग जो क्या है कभी कभी आकाश में सूर्य को भी ढक देते हैं। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा बारिश दे रहा है तो आपको शायद आवाज इतनी क्लियर से भी नहीं आएगी, लेकिन आप एयरफोन लगा के अच्छे से सुनना। अब ये जो नया शहर है कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं, ठीक है, कुमाऊं में इसे क्या कहते हैं, मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को
गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। उनका जो बनाने के स्टाइल है, उस दिन उन लोग क्या करते हैं, आटे और गुड़ को गूंद कर, ठीक है, मिलाकर कुछ कुछ डिशेज बनाते हैं, पकवान बनाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, मतलब डिजाइन डिजाइन से कुछ कुछ स्टाइल से इसे आकार दिया जाता है, मतलब शेप देते हैं, ठीक है। जैसे डमरू, तलवार, ददीम का फूल आदि। तो पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। तो जिस प्रकार से मतलब अलग अलग पकवान बनाते हैं, मतलब अलग अलग शेप के, अलग अलग डिजाइन के, तो उसको बनाने के बाद क्या करते हैं, वो एक माला में पिरोया जाता है, मतलब माला में उसको डाल दिया जाता है, माला बनाना जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गद्दी पिरोई जाती है, मतलब एक माला पूरा अच्छे से तैयार करते हैं, जिसमें मतलब वो पकवान और ढेर सारा फ्रूट्स जो होता है ना, इस तरह का फ्रूट्स भी उसमें मिलाया जाता है, मतलब माला की जब बनाता है। यह काम बच्चे बहुत ही रुचि, ये काम जो क्या है, बच्चे बहुत ही रुचि और उत्साह के साथ करते हैं, मतलब बच्चों को ये वाले काम जो क्या है, बहुत ही इच्छा से, अपने पसंद, मतलब बहुत ही पसंद है, बहुत खुशी से वो करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है, जब सुबह सुबह बच्चों को ये माला दी जाती है, जो मतलब खाने के सामानों से बनाया गया माला, बहुत ठंड के कारण जो पक्षी होते हैं पहाड़ों से चले जाते हैं, जो मतलब ठंड के वजह से, क्योंकि ठंड का खत्म होने के बाद ही वसंत आता है ना, तो ठंड की वजह से क्या होते हैं, पक्षी जो होते हैं बर्ड्स, वो हम अपने जंगलों से पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला के पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते और गाते हैं। तो ये वो गाना गाते, ठीक है, बच्चा, कौआ आओ आओ, घुघुत आओ आओ, ले कौआ बड़ो मैं के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी मैं के दे जा सोने की घड़ी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना वो वहाँ मांगते हैं, है ना, कितनी अलग अलग अंदाज, मतलब इसी के साथ जो माला में जो कुछ कुछ खिलाते हैं चिड़िया को ना, चिड़िया को बुलाने के लिए प्रकृति में, मतलब चिड़िया कम ना हो ठंड की वजह से, जो छिपी रहती है, तो उन सारी चिड़िया को बुलाने के लिए, पक्षियों को बुलाने के लिए ये माला से मतलब निकाल के उनको खिलाया जाता है। तो पक्षी भी आसपास आते हैं, तो उनको वो कुछ गाना गाकर बोलते हैं, ये ले कौआ खाओ खाओ, है ना, मेरी जितनी बुराई है, वो कुछ कुछ इस तरह के बोलते हैं। फिर इसके साथ ही वो कुछ कुछ कामना करते हैं, जिसकी मतलब कुछ विशेष मांगते हैं उनसे। तो ये है उनका त्योहार। तो है ना, कितनी अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के, है ना, क्योंकि अलग अलग जाति है, इसे अपने अपने प्रकार, अपने ढंग से मनाते हैं। कहीं दूर चावल और गुड़ की खीर बनाती है, तो कहीं पांच प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाते हैं। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ आता है, मतलब कभी कभी तो क्या होता है, लोग जो क्या होते हैं नदी में नहाने के लिए, इस दिन नदी में नहाते भी है, तो एक साथ में जो ग्रुप ले आता है, तो सैलाब, ठीक है, उमड़ आता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बेफिक्र बर्फीले पानी से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। मतलब त्योहार का दिन है, जितना भी ठंड क्यों ना हो, लेकिन पूजा जब भी करते तो लोग स्नान करके, मतलब नहा के करते हैं, तो जितना ठंड क्यों ना हो, बर्फीली पानी क्यों ना हो, लेकिन क्या है, लोग एक ना एक डुबकी तो पानी में जरूर लगाते हैं। हाल यह होता कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तो क्या है, इस दिन जिस भी जाति में हो, मकर संक्रांति के दिन में तिल को क्या है, बहुत ही शुभ माना गया है। यदि तिल को पानी में डालकर नहाएंगे, तिल को खाने में डालेंगे, किसी भी चीज में अगर तिल का प्रयोग किया जाएगा, तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे खिचड़ी, पोंगल, मतलब खिचड़ी भी वो भी कहते हैं, इसे इस त्योहार को खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मानते हो, ये अभी हमें पूछ रहे हैं कि अगर हम भी अगर इस फसल से जुड़े त्योहार को कुछ अलग नाम से जानते हैं। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकारी हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोगों के भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। जैसे कि लोग बाहर बाहर जगह पर एक सोसाइटी में रहते हैं ना, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो उसमें अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही जाति के लोग एक ही सोसाइटी में रहना है, तो उसमें मिलकर क्या है, अलग अलग जाति, जैसे पंजाबी हो गया, साउथ इंडियन हो गया, और क्या बोले, मराठी हो गया, ये सारे जो लोग, मतलब अलग अलग प्रकार से इस त्योहार को मनाते हैं, भले एक साथ हो, तो इसी को यहाँ कहा है। तो हम लोगों ने इसे पूरी तरह से जान लिया, ठीक है, खिचड़ी फसलों के त्योहार को हम लोगों ने पूरी तरह अच्छे से इसे और एक बार रिवाइज कर लिया है।
तो मंडे को मैं क्या है आप लोगों को आंसर क्वेश्चंस के साथ इसे पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों ने मुझे कहा था कि कुछ कुछ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसे फिर से बताऊंगी।